दोस्तों स्विच बोर्ड वायरिंग कैसे करते हैं, ये देख सकते हैं व्हाइट कलर के जितने भी वायर है ये सब पॉइंट है और यहाँ पे इन्वर्टर फेज न्यूट्रल है, ठीक है। और यहाँ पर कनेक्शन कैसे किया जाता है ये देख सकते हैं, ये स्विच बोर्ड है और स्विच बोर्ड के अंदर ऊपर की तरफ जितने भी स्विच है इन सभी खाली स्विच है, तो ऊपर की तरफ जो भी स्विच है इन सभी के अंदर एक एक करके सारे स्विच की जो वायरिंग है एक एक करके सभी के अंदर डाल दें, यानी कि जितने भी पॉइंट है आप एक एक करके स्विच के अंदर एड करते जाए। इससे क्या होगा कि जो भी स्विच दबाएंगे वही स्विच वायरिंग वर्क करेगी, तो इस तरह से वायरिंग हो गई। अब यहाँ पर न्यूट्रल की बारी आती है, सबसे पहले आपको न्यूट्रल ही एड करना पड़ता है करंट सेफ्टी के लिए, तो यहाँ पर न्यूट्रल हम एक सॉकेट के अंदर डाल देंगे, दोनों सॉकेट के अंदर पहुंच जाएगा करंट, ठीक है। अब यहाँ पे फेज लास्ट में आपको फेज कनेक्शन करना है, फेज कनेक्शन आपको कहाँ पे करना है, यहाँ नीचे नहीं ऊपर भी नहीं, यहाँ पे सेंटर में करेंगे तो डिवाइड अच्छे तरीके से लाइन होगी, तो यहाँ पर मैं सेंटर में लगाऊंगा जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी इलेक्ट्रिक लाइन ताकि लोड अच्छे से चले। अब स्विच बोर्ड को अच्छे तरीके से फिट कर दे, आपको करंट वगैरह का ध्यान रख के आप अच्छे तरीके से इसे सेटअप कर दे। अब यहाँ पर इसको फिट करने का आपका 400-500 रुपए चार्ज ले सकते हैं, ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमारा स्विच बोर्ड वर्क कर।